तो सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए, देखते रहिए आपकी खबर आप तक, खबर जहां नज़र वहां। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये भाजपा सरकार की मंशाओं पर खरा उतर रहे जिले के और तहसील स्तर के अधिकारियों की तस्वीरें हैं। तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी विश्वास सुशील कुमार सिंह की, जो कि आपको बता दें कि तीन गैंग एस्टरों की 51 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। मुनादी पिटाकर और उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। ये शराब तस्करी से नाजायज तरीके से अर्जित की गई ये संपत्ति है जिसको सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। आपको बताते चलें कि रेवसा पुलिस ने गुरुवार को तीन गैंग एस्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह बनाकर शराब की तस्करी करने वाले ये तीन शातिरों पर गैंगस्टर लगाने पर के बाद पुलिस ने गुरुवार को उनकी 51 लाख की संपत्ति की मुनादी पिटाते हुए कराते हुए जब्त की है। सीओ बिश्वा सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को रेवसा पुलिस ने बहराइच जाने वाले मार्ग से बस्तहा मोड़ पर सड़क के किनारे बने मकान पर छापामारी की, जिसमें छापामारी के दरमियान भारी मात्रा में जहरीली शराब पैकिंग रैपर और बरामद किया था। अवैध कारोबार में शामिल सदरपुर इलाके के नरेंद्रपुर निवासी नरेंद्र वर्मा, सदरपुर के बस्तहा गांव निवासी सुफील बिश्वा के कोटरा गांव निवासी लालू और शिवम को गिरफ्तार किया था। मामले में तीनों को जेल भेजा गया था। शराब तस्करों के बारे में पड़ताल में पता चला कि अपराधी गिरोह बनाकर शराब की तस्करी करते हैं। नरेंद्र वर्मा गैंग का सबसे बड़ा शातिर सरगना है। आरोपियों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस भी दर्ज हैं। उनके यहाँ आय का कोई स्रोत भी नहीं था और अपराध करके अवैध तरीके से संपत्तियाँ वाहनों की खरीद करते थे। और डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत तीनों गैंगस्टर के अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया था। इसी संबंध में गुरुवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में रेवसा इलाके के बस्तहा मोड़ पर पहुंचकर गैंगस्टर सुफील के एक पक्के मकान को जब्त करते हुए नोटिस चस्पा कराई गई। दो अन्य गैंगस्टर नरेंद्र और लालू की एक कार और बाइक को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। आदेश अंतर्गत धारा 15 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। सरकार उत्तर प्रदेश बनाम नरेंद्र वर्मा आदि तीन नफर। नरेंद्र वर्मा पुत्र राम अकबाल वर्मा निवासी ग्राम नरेंद्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, लालू शिवम पुत्र नरेश चंद निवासी ग्राम कोटरा थाना कोतवाली बिसवा जनपद सीतापुर, सुखील पुत्र जहीर निवासी ग्राम बसदा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर। इतर द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा आपराधिक कृत्य अवैध शराब तस्करी करके वाहन इको स्पोर्ट वाहन नंबर UP 53 VX 0063 की 25 संख्या 1 द्वारा वाहन अपाचे बाइक नंबर UP 34 AX 7640 भी 25 संख्या 2 द्वारा एवं रेवसा बिश्वा मार्ग पर मंगू चौराहा के पास गोधनी सरैया मोड़ पर स्थित एक अदर मकान भी 25 संख्या 3 द्वारा अर्जित किए गए। उपरोक्त समस्त चल अचल संपत्ति 2 किता वाहन एवं 1 किता मकान को न्यायालय के आदेश दिनांक 26 अगस्त 2021 के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है। निवारण अधिनियम 1986। सरकार उत्तर प्रदेश बनाम नरेंद्र वर्मा आदि नफर। सुफील पुत्र जहीर निवासी ग्राम बसदहा थाना सदरपुर जनपदपुर के द्वारा रेवसा बिश्वा मार्ग पर मंगू चौराहा के पास गोदनी सरैया मोड़ पर स्थित एक अदालत मकान अर्जित किया गया था। अवैध रूप से उसकी कुर्की जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के आदेश के क्रम में आज की जा रही है।